यार आप जियो का सिम यूज करते हो और आपको नहीं पता कि कस्टमर केयर से कैसे बात करना है, जिसकी वजह से कभी आपके सिम में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो बस आप सिर्फ परेशान होते रहते हो। क्यों भल्ला भैया, सही बोल रहा हूं ना? भल्ला क्या हुआ? अरे चचा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा आपको पूरा प्रोसेस। अरे भाई अपने चचा तो घबरा गए, आप मत घबराना ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा जियो के कस्टमर केयर से कांटेक्ट करने का। यहाँ पे आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, आप अपने डेस्कटॉप से कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप से कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे कस्टमर केयर से बात करने का, तो सब कुछ जानेंगे। बट उससे पहले तो सबसे पहले गाइस हम जो है मोबाइल से देखते हैं कि मोबाइल से हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप माई जियो ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो माई जियो ऐप अगर आपके फोन में नहीं है तो जाके सिंपली से इसको इंस्टॉल कर लो, और यहाँ पे आप सिंपली से इसको ओपन कर दो तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। उसके नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जियो केयर का, सिंपली से आप इस पर टच करो एंड उसके बाद दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, पहला है वॉइस असिस्टेंट और दूसरा है चैट विद अस। अब ये दोनों क्या है मैं बताता हूँ। वॉइस असिस्टेंट में क्या है कि आप बोल के कोई भी चीज को सर्च कर सकते हैं, और चैट विद अस में सेम चीज है बट यहां पे आप चैट लिख के टाइप कर सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट के अंदर मैं आ गया। अब देखो इसके अंदर में क्या है, ऊपर में कोई रिचार्ज एंड पेमेंट का ऑप्शन है, उस पर ट्रबल शूट है, जियो ट्रू 5G है, अलग अलग ऑप्शन है। किससे रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है उस सेक्शन के अंदर चले जाओ और उसके नीचे में अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे कि रिचार्ज एंड पेमेंट के अंदर में व्हाट इज माय डेटा बैलेंस, मतलब अगर चेक करना है कि डेटा बैलेंस क्या है, रिचार्ज माय नंबर, मेरे नंबर को रिचार्ज करने के लिए, उसको ये सब आपको यहां टच करेंगे तो उसका ऑप्शन खुल जाएगा। अगर यही चीज आपको बोल के अगर आपको मतलब कि बताना है तो माइक पे आइकन पे टच कर दो, ठीक है, रिचार्ज प्रॉब्लम, प्लीज सेलेक्ट द मोड ऑफ रिचार्ज, ठीक है। अब ये बोल रहा है रिचार्ज प्रॉब्लम में हो रहा है, तो किस तरह रिचार्ज करना है आपको वो आपको यहाँ पे सर्च करने के लिए बोल दिया है, ठीक है, किस टाइप का है। तो इस तरह आप यहाँ पे सर्च करके बता सकते हैं। अब ये सेम चीज़ जो है आप यहाँ पे चैट के अंदर भी कर सकते हैं, वो चैट था ना, चैट विद अस के, इसके अंदर आया एंड यहाँ पे मैंने वो सेम चीज़ लिख दिया जैसे कि रिचार्ज प्रॉब्लम। रुक जाओ मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है, रिचार्ज प्रॉब्लम मैंने लिख दिया। अभी देखो ये क्या बताता है, अभी रिचार्ज प्रॉब्लम से रिलेटेड ये तीन ऑप्शन दे रहा है कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपने रिचार्ज किया है वो शो नहीं हो रहा है, या आपको रिचार्ज नहीं हो रहा है, किस टाइप का प्रॉब्लम, उस पर टच करोगे तो आप उसके अंदर चले जाओगे एंड उसका रिजॉल्व ये कर देगा, ठीक है। ये था पहला ऑप्शन। अब हम देखते हैं वेबसाइट के थ्रू हम जो है कैसे कर सकते हैं, कॉलिंग के बारे में हम बाद में जानेंगे, और हाँ एक बोनस टिप भी आपको लास्ट में दूंगा। अब गूगल पे सर्च करो jio.com, उसके बाद ये जो पहला वेबसाइट है सिंपली इसके अंदर आ जाओ एंड यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको जो है दिखाई देगा। देखो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इवन यार आप व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो इनसे। देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो 3 डॉट दिख रहा है इसके अंदर आ जाओ एंड यहाँ पे सपोर्ट के अंदर आ जाओ, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट सेंटर है इस पर क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि चैट कर सकते हो कैसे, व्हाट्सएप में, आप हिंदी में भी व्हाट्सएप चैट कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऊपर वाला नंबर है, अगर आपका जियो फाइबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नीचे वाला नंबर है, इस नंबर को सेव कर लो, आप व्हाट्सएप पे भी जाके बात कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ईमेल करना है, आपको व्हाट्सएप नहीं करना है, चैट नहीं करना है, वॉइस असिस्टेंट यूज़ नहीं करना, आप ईमेल करना चाहते हो तो सिंपली से ईमेल पे आ जाओ एंड यहाँ पे अपना नाम वगैरह सब कुछ डिटेल भर दो, और आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका एक स्क्रीनशॉट या फोटो ले लो, उसको 500 KB से जो है कम होना चाहिए एंड यहाँ पे सबमिट कर दो, आपका ईमेल चला जाएगा और वो रिप्लाई भी कर देंगे इसको, ठीक है। अभी जो हमने वॉइस असिस्टेंट से बात किया था वो सेम चीज़ यहाँ पे भी दिख रहा है चैट विद अस में अंदर, सेम वही चीज़ है, इस पर क्लिक करोगे तो उसी तरह से चैट होने लग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे कॉल का भी ऑप्शन दे रहा है, ये है इंटरेस्टिंग चीज़, तो चलिए इसको देखते हैं। अभी इस पर कॉल पे आएंगे तो अब ये पूछ रहा है कि किस टाइप का प्रॉब्लम है, मोबाइल से प्रॉब्लम है, तो हाँ भैया हमको जियो मोबाइल से प्रॉब्लम है, तो हम इससे प्लस पे आइकन पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, यहाँ पे क्या है कि कॉन्टैक्ट फॉर क्वेरीज रिलेटेड टू मोबाइल सर्विस। अगर मोबाइल सर्विस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका कोई काम नहीं कर रहा कोई चीज़ या किसी टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है या आपको जानना है तो आप 199 पे कॉल कर सकते हैं, और वो भी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, या फिर अगर आपका रिचार्ज जो है वो बहुत जल्दी कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई कंप्लेंट करना है तो आप 198 पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन जानना है, अगर प्लान के बारे में, डेटा बैलेंस के बारे में, वैलिडिटी के बारे में, ऑफर के बारे में, कंफर्मेशन के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो 1991 पे कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर आपको
किसी हाँ कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जियो नंबर नहीं होता है, कोई दूसरा नंबर होता है और हम किसी दूसरे के लिए कॉल कर रहे होते हैं तो हमारे पास जियो नंबर नहीं होता है। तो उस केस में अगर आपको नॉन जियो से कॉल करना है तो आपके पास ये नंबर है 1800 88 5 times 9, ठीक है, ये नंबर जो है इस पर कॉल करोगे कोई नॉन जियो से तो आप जो है बात कर पाओगे जियो के कस्टमर केयर से। उसके बाद नीचे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिया हुआ है कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो कहीं से बाहर और आप कॉल करना चाहते हैं तो ये जो नंबर है +917018 5 times 9 इस पर इस नंबर से कॉल कर सकते हो। तो इतने सारे चीज़ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है गाइस बात करने का। तो समझ गए आप कि सारे नंबर्स को कॉल करना है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल से करने के लिए एक नंबर दिया हुआ है जो कि मैंने आपको बता दिया है 1800 88 9999, ठीक है, इस नंबर को नोट कर लो, ये सारा नंबर है। और अगर किसी टाइप का कंप्लेंट करना है तो 198 पे करना है और अगर आपको किसी टाइप कोई सर्विस के बारे में जानना है तो 199 पे करना। ये सारा मतलब ऑप्शन था यहाँ पे कॉलिंग करने का और मैसेज करने का और चैट करने का और व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने आपको बता दिया है 7000077007, इसको सेव कर लो और व्हाट्सएप पे भी चैट कर सकते हो। तो बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास जो है जियो के कस्टमर केयर से बात करने का। आई होप कि आपको सारा ऑप्शन जो है क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है आप आसानी से जियो के कस्टमर केयर बात कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को उनसे बता सकते हैं और अपना प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व भी करवा सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नीचे जो लाइक का बटन दिख रहा है जाकर उसको दबा दो और सिर्फ आपके लिए यहां पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जो भी आपको जानना है उस पे क्लिक करो एंड एंजॉय करो।